मसाइल में मुबतला थे, रोज़ा यानी रोज़े को बाकी करने वाली चीज़ें, इनके बयान के बाद जैसा कि मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मुबतला थे रोज़ा यानी रोज़े को बाकी करने वाली चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे रोज़े के आरंभ में परहेज करने को कहा गया है, यानी उन चीज़ों को अंजाम न दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर हो गया है या अंजाम दे दिया है तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा, रोज़ा सही रहेगा। जिनको मकरूहात बोलते हैं, वो चीज़ें जो रोज़े के आलम में मकरूह हैं, यानी अगर उनको ना अंजाम दिया जाए तो बेहतर। उनमें अव्वल आँख में दवा डालना और सुरमा लगाना, जबकि उसका मज़ा या बू हलक तक पहुँचे, आप कान में या आँख में कोई भी दवा डालो तो मज़ा तो हलक तक पहुँचेगा ही उसका, वो तो लाजमी शय है। तो इस सूरत में जबकि वो कतरा आप आँख में डालते हैं या कान में डालते हैं और उसका मज़ा हलक तक पहुँचता है, तो इस सूरत में रोज़ा बातिल तो नहीं होगा लेकिन मकरूह है। रोज़ा सही रहेगा लेकिन बेहतर यह है कि रोज़े के आलम में ऐसा न किया जाए। अगर किसी को आँख में या कान में दवा डालना है, सुरमा लगाना है, तो वो रात को लगा ले, यानी इफ्तार करने के बाद या सहर से पहले। दूसरे, हर ऐसा काम करना जो कमज़ोरी का सबब हो, जैसे फसद खुलवाना या जिसे हजामत बोलते, हजामत करवाना, कि जिससे कोई भी ऐसा काम जिससे खून वगैरह निकले और इंसान के अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाए, तो रोज़े के आलम में ऐसा काम करना मकरूह है। तीसरे, नास लेना, पानी रखा उसको कुछ दवा डाली या पानी की भाप लेना, रोज़े के आलम में नास लेना, बशर्ते कि ये इल्म ना हो कि हलक तक पहुँचेगी। अगर हलक तक पहुँचे तब तो वो जायज़ ही नहीं, बातिल। ये उस सूरत में है कि जब यकीन हो कि हलक तक नहीं पहुँचेगी, उस सूरत में भी नास लेना मकरूह है। लेकिन अगर आप पानी ले रहे हैं और वो हलक तक पहुँच रहा है पानी, भाप उसकी, तो उस सूरत में तो रोज़ा सही ही नहीं है। ये उस सूरत में है कि जब हलक तक न पहुंचे। चौथे, खुशबूदार घास या जड़ी बूटियां सूंघना, खुद खुशबू का आना अलग चीज है और खुशबू का सूंघना अलग चीज है। ऐसा हुक्म नहीं है कि अगर किसी ने इत्र लगाया हो या आप किसी बाग से गुजर रहे हैं, किसी गार्डन से गुजर रहे हो, सुबह सुबह है, गार्डन से गुजर रहे हैं, खुशबू आ रही बेहतरीन फूलों की, तो वहां पर नाक बंद नहीं करना है कि हाँ खुशबू आ रही है, अगर नाक बंद कर ली जाए, बल्कि मखसूस तौर पर कोई फूल तोड़कर उसको सूंघना, ये रोजे के आलम में मकरूह है। पांचवें, औरत का पानी में बैठना, जैसे हौज वगैरह होता है या इस किस्म की कोई चीज होती है। छठे, किसी खुश्क चीज से एनेमा लेना, जैसा कल मैंने बताया था कि अगर लिक्विड चीज से एनेमा लिया जाए तो उससे रोज़ा बातिल हो जाता है, लेकिन अगर खुश्क चीज से, जैसे आजकल कैप्सूल वगैरह आते हैं, वो कैप्सूल रख दिए जाते हैं और उसकी वजह से कब्ज टूट जाता है, उसको एनेमा बोलते हैं। अगर किसी खुश्क चीज से, कैप्सूल वगैरह से एनेमा लेते हैं तो ये रोज़े के आलम में मकरूह है। सातवें, जो लिबास पहन रखा हो उसे तर करना। बहुत से लोग होते हैं गर्मी ज्यादा लगी और इस गर्मी की वजह से लिबास को तर कर लिया, सर के ऊपर तर रुमाल रख लिया या मसलन सर कपड़ा तर करके रख लिया, तो ऐसा करना रोजे के आलम में मकरूह है। आठवें, दांत निकलवाना और हर वो काम करना जिसकी वजह से मुंह से खून निकले, ये भी रोजे के आलम में मकरूह है, बेहतर है कि ऐसा न किया जाए। नवें, तर लकड़ी से मिसवाक करना, रोजे के आलम में तर लकड़ी से मिसवाक करना ये कराहियत रखता है, लिहाजा अगर
मिसवाक करना है तो या तो रोजे के बाद करे और या फिर खुश्क हो। दसवें, बिला वजह पानी या कोई और लिक्विड चीज मुंह में डालना, बार बार कुल्ली करना, बार बार मुंह में पानी घुमाना या कोई ऐसी कोई और लिक्विड उसको मुंह में मुंह के अंदर रखना, इस सूरत में भी रोजा मकरूह है और इसको रोजे के आलम में अंजाम नहीं देना चाहिए। ये वो चीजें हैं कि जो रोजे के आलम में मकरूह है। वो इसके बाद रोजे का कफारा है कि अगर कोई इंसान एक रोजा छोड़ दे, अगर कोई किसी उज्र की वजह से छोड़ता है तो उसके लिए क्या हुक्म है, और अगर किसी बगैर उज्र और बगैर मजबूरी छोड़ता है तो उसके लिए क्या हुक्म, ये इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में बयान होगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।